नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। असल में मोहम्मद तलहा, ऐसा है कि इंटरनेट के इशू की वजह से है ना, मैंने कह दिया है तो वो अपलोड हो जाएगा, एडिट करके मैंने आज दे दिया था, तो इंशाल्लाह सून कल तक सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने डिस्कशन कुछ इस तरह से स्टार्ट की थी मेरे बच्चों, कि हमने ये कहा था कि देखें, बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो पहले ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, फिर स्लोली ग्रेजुअली वो क्या करते हैं। अच्छा, मैं जो भी चीजें बात कर रहा होता हूँ आपसे, वो बेसिकली मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो मैंने अक्सर नोट किया है कि कुछ स्टूडेंट उन एग्जाम्पल्स को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देखें, एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट नहीं होते, एग्जाम्पल समझाने का तरीका होता है जिसकी बेस पे आप बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपने करना यह है कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ट्रेडिंग बिजनेस आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होता है, तो इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि कोई अलग से इनिशियल तौर पे, यानी आज अगर वो चाहता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनना तो वो नहीं बन सकता। तो इस चीज को जरा ख्याल रखा जाए। और माशाल्लाह से इन दिनों में बहुत से बच्चों की जो क्यूरीज आ रही थी, उन क्यूरीज को मैंने लिस्ट डाउन करा है, और वो लिस्ट डाउन ऐसे किया है कि बहुत से बच्चों को बहुत सी टर्मिनोलॉजीज में मसला हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा डेलीगेट का क्या मतलब है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सीरीज ऑफ वर्ड बना लिए हैं चैप्टर वाइज, वो इंशाल्लाह 3 चैप्टर के बन चुके हैं। तो इस फ्राइडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्शन बिजनेस नहीं कह सकते ना, इसलिए उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो कल हमने चीजें काफी पढ़ी थी और हमने अपना सेशन एंड किया था। हमने अपना सेशन एंड किया था कहाँ पे, यहाँ पे, कि हमने बात की थी कि मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन और आपके पास कस्टमाइजेशन, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और डिस्कस इस अंदाज में कि मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगा ताकि आप में से अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो पूछ सके। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन की, तो हम बात करते हैं लेट सपोज कार्स की, एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमारे पास कुछ गाड़ियां होती हैं जो कि अगर मैं बात करूं होंडा की या सुजुकी की, तो सुजुकी कुछ गाड़ियां बना रहा है जो कि हाईरूफ टाइप है, कुछ गाड़ियां बनवाता है जो कि सेडान होती हैं, मतलब नॉर्मल, जिसे हम कहना चाहिए कि एक अच्छी खासी करोला टाइप गाड़ी, और एक गाड़ी बना रहा है ऑल्टो टाइप। तो अब ये जो वैरायटी उस गाड़ियों में निकाली जा रही है, इसको हम मास प्रोडक्शन के साथ साथ हम नाम देंगे मास कस्टमाइजेशन का। अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आ गया, इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आ गया कि गाड़ियों के कलर में आप ब्लैक बना रहे हैं, व्हाइट बना रहे हैं, ब्लू बना रहे हैं, पिंक बना रहे हैं, ग्रे,
लेकिन हर क्वांटिटी, हर कलर को आप सेम क्वांटिटी का नहीं बनाते, हर क्वांटिटी अलग अलग रखते हैं। आपको पता है मार्केट में एक्सपीरियंस होने की बेसिस पे आपको इस बात का अंदाजा है कि ब्लैक की क्वांटिटी कंपेयर टू पिंक ज्यादा बिकती है, वाइट ज्यादा बिकती है। तो इस तरीके से आपको इस बात का अंदाजा होता है कि आपको वैरायटी तो बनानी है, लेकिन हर वैरायटी इतनी क्वांटिटी की नहीं बनानी जिससे आपको नुकसान हो। तो बेसिकली ये जो वैरायटीज आप बनाते हैं, इस वैरायटी को हम मास कस्टमाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। और कस्टमाइजेशन बेसिकली क्या होती है, एक इंडिविजुअल को जहन में रखते हुए, यानी कि एक इंडिविजुअल की विश लिस्ट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, विश लिस्ट को कंसिडर। लेकिन मास कस्टमाइजेशन में विश लिस्ट नहीं होती कोई भी, पहले से एक एवरेज विश लिस्ट बना ली जाती है कि पास एक्सपीरियंस की बेसिस पे मेरी इन तरह की वैरायटी की गुड्स बिकी थी, तो अब क्या करूंगा मैं, इन चीजों को मैं बनाऊंगा। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि यहां पर हमने बात की है किसकी, यहां पर हमने बात की, अल्लाह आपको नेकी दे, टाइमिंग की। कल हमने टाइमिंग की क्या बात की थी कि लेट सपोज अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है। अब प्रोडक्ट बनाने का मकसद ये है कि टाइमिंग का मतलब ये आपको समझाया गया कि क्या मेरी प्रोडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेड और कार, अगर मैं बात करूं ब्रेड, उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि वो एक ही चीज, वालेकुम अस्सलाम शब्दा, एक ही चीज पूरे साल एक ही अंदाज में बनती है और एक ही वैरायटी में बनती है, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन गाड़ियों के लिए मैं कंटिन्यूअस प्रोसेस को इख्तियार नहीं कर सकता। आई हैव टू ऑप्ट इंटरमिट। इंटरमिट का मतलब यह है कि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि एक साल एक सर्टेन टाइम पे एक मॉडल निकालने के बाद अब मुझे उसमें कुछ चेंजेस लानी है, इम्प्रोवाइजेशन लानी है, कोई न्यू फीचर लाना है। फॉर दैट आई नीड टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड माई मनी इन टू R&D। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ता है कि गाड़ियों की अब बिजनेस को देखते हुए मैं बात करता हूँ, प्रोडक्शन को देखते हुए बात करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल और फूड, टेक्सटाइल में भी आपके पास वॉल्यूम्स जो निकलते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं निकलते, वो इंटरवल बेसिस पे निकलते हैं। समर कलेक्शन समर में आ रहा है, विंटर का कलेक्शन समर में नहीं आ सकता, वरना क्या से क्या हो जाएगा। जो समर कलेक्शन है वो विंटर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से चीजों को परस्यू करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास, अगर आप देखें ARTT के अंदर, आपके पास एक बैच है मार्च, एक है जून और एक है फास्ट ट्रैक। अब मुझे एक बात का जवाब दें, क्या जो बच्चे आपके पास मार्च तक आ रहे थे, अगर मैं इन बैचेस को कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखता तो अभी तक जून का बैच नहीं बनता, मार्च का ही बैच बन रहा होता। लेकिन हमने एक लिमिट रखी कि भाई एक सर्टेन डेट के बाद हम ये बैच को क्या करेंगे, अलग कर देंगे और फिर सितंबर का बैच बनेगा, सॉरी जून का बैच बनेगा। इससे एक और बात क्या होती है, आपको प्रोडक्शन करते वक्त एफिशिएंसी का भी पता चलता है। अगर मैं एक ही बच्चे को एक ही बै मतलब जितने भी बच्चे मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं वो एक ही में मैं अगर इनरोल करता रहता तो मैं कभी एंड लेवल पे नहीं पहुंचता, मैं अपने कोर्स को एंड नहीं करवा सकता था। तो मुझे इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वालेकुम सलाम दुरेशवार। तो मुझे एक चीज का समझना बड़ा जरूरी है कि भाई मुझे किस, अब देखो टाइमिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटरवल प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही आएगा, सर्विस बिजनेस में भी आ सकता है। तो हर चीज को हमने मैंडेटरी नहीं बना लेना। हाँ, ज्यादातर हमने कंटिन्यूअस और इंटरवल को कहाँ देखा, मैन्युफैक्चरिंग में।
सर्विस इंडस्ट्री में टीचिंग एक वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, बैच वाइज चलाते हैं इंटरवल। जैसे आपकी स्कूल है, अगर किसी को मई जून ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले अगर कोई बच्चे हैं वो शायद रिलेट कर पाए मेरी बात को, कि ओ लेवल्स ए लेवल्स के दो टाइम एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है मई जून और एक एग्जाम होता है मेरे बच्चों अक्टूबर नवंबर। तो जो मई जून के हैं उनके लिए बैच अलग बनता है, अक्टूबर नवंबर के लिए बैच अलग बनता है। उससे चीजें डिग्निफाइड हो जाती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं। और जब चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है ना बच्चों, तो उससे एक चीज का फायदा होता है कि आप राहिम बेटा वालेकुम अस्सलाम, उससे एक चीज का फायदा यह होता है कि चीजों को फोकस किया जाता है कि भाई अच्छा जब मैं बैच अकॉर्डिंग चलूंगा ना तो अब मैं उस पे सुपरवाइजर को भी उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। मिसाल के तौर पे मेरी एक प्रोडक्ट ए बन रही है जिसके अंदर 10 मजदूर हैं और मेरी प्रोडक्ट बी बन रही है जिसके अंदर 20 मजदूर हैं। अब मुझे बताओ, मुझे प्रोडक्ट ए के लिए एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा कि दो? आप कहेंगे सर एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, 10 बंदों में एक सुपरवाइजर रखना कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन जब बात 20 बंदों की आएगी तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, दो सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर कॉस्ट एफिशिएंट को देखने की बजाय हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस को। क्योंकि अगर मैंने एक सुपरवाइजर 20 लेबर के लिए भी रखा तो हो सकता है कि वो उस तरीके से अपनी ड्यूटीज को जस्टिफाई नहीं कर सके। तो हमें हर चीज को बहुत अच्छे अंदाज में देखना पड़ता है। कल की क्लास में हमने लोकेशन को भी डिस्कस किया था कि आपकी लोकेशन कहीं और है, मेरी लोकेशन कहीं और है बिजनेस की, तो ट्रैवल टाइम कहीं मर ना जाए। ठीक है जी, तो इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दिखेगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने घर बनाया हो या घर बनते हुए देखा हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात का अंदाजा होगा कि पहले वो क्या करता है कि स्केच बना के आता है। कभी आपने, वैसे तो मैंने भी कभी जिंदगी में डिजाइनर क्लोथ्स नहीं पहने, लेकिन डिजाइनर्स को बना क्लोथ्स बनाते हुए मैंने देखा बहुत है। स्पेशली ये जो फीमेल के शरारे गरारे टाइप चीजें होती हैं उसको मैंने बनते हुए देखा है। तो जो शशके वाले लोग होते हैं वो पहले क्या करते हैं, एक आइडिया डिस्कस करते हैं अपने डिजाइनर से और वो फिर डिजाइनर एक स्केच बनाता है। अब वो स्केच बनाने पे क्या होता है कि कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि अल्लाह माफ करे वो इस ड्रेस को पहनने के बाद ऐसे दिखेंगे। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो पहनने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले से हमने लेआउट इसलिए बना लिया ताकि बनने से पहले चीजें डिस्कस हो जाए, ऐसा ना हो कि प्रोसेस में चीजें आ जाएं फिर कोई चेंजेस आए। तो हमने डिजाइनर की भी एग्जाम्पल ले ली। इसी तरीके से बिल्डिंग बनाने से पहले आप एक आर्किटेक्ट से मिलते हैं, जो क्या कर सिविल इंजीनियर से मिलते हैं, जिस जो आपको आइडिया देता है कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड पे अल्लाह आपको नेकी दे कितनी मंजिला इमारत बन सकती है। ठीक है, तो ये चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अच्छा बेटा, एक चीज का मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसको नेट का इश्यू हो रहा हो आज? हाँ, क्योंकि आज मैं अपनी क्लास ऑफिस से ले रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चले यार, जजाकअल्लाह। कल काफी मैं डिसअपॉइंट था कि आप बच्चों का टाइम खराब हुआ। बहरहाल, तो अब हम बात ये करते हैं कि देखिए लेआउट बनाना क्यों जरूरत है। जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में आईटी की एग्जांपल देता हूँ कि आईटी में आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या वेबसाइट बनाने से पहले एक बनाते हैं उसका प्रोटोटाइप। इस प्रोटोटाइप से ये आइडेंटिफाई हो जाता है
अगर मुझे मौका लगा तो मैंने एक ऐप बनाई थी, अभी रिसेंटली एक ऐप बनाई है, वो ऐप बना रहा हूं मैं बेसिकली, तो उसका मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, आई विल शेयर, जिस जिसको अगर इंटरेस्ट हो वो देख लेना, वरना मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा तो वो देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये था कि प्रोटोटाइप बनाने से आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो नहीं लगती। सर, एक बच्चा मेरे से सवाल पूछता है और हमेशा पूछता रहता है, वो ये कहता है कि सर लेआउट बनाने में भी तो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, फ्री में तो लेआउट नहीं बनता। मैं कहा बात बेहतरीन बात की आपने, तो मैं क्यों लेआउट बना के पैसे जाया करूं, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों ना बना लूं। तो उस प्यारे बच्चे के लिए मेरे पास ये जवाब होता है कि बेटा देखें, लेआउट बनाने में आपकी इंटायर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी नहीं लग रही होती, सिर्फ एक डिजाइनर की एफिशिएंसी लग रही होती। लेकिन अगर आपने लेआउट नहीं बनाया और प्रोसेस करना शुरू कर दिया तो अब पैसे नहीं लगेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन लगेगी, कस्टमर की प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन का स्टेक आप पे होगा, आपकी मैन पावर लग रही होगी, आपकी दूसरे ओवरहेड्स लग रहे होंगे। तो आप एक नुकसान से एक जगह पैसे बचाने के चक्कर में इतने जगह पे पैसे लगा दोगे, और गॉड फॉरबिड अगर वो चीज पसंद ना आई तो आपकी डिग्निटी का कबाड़ा हो जाएगा। तो भाई ये चीज आपने जहन में रखनी होती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो लेआउट से रिलेट है, ये लेआउट से रिलेट ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है, इसमें से कहीं भी, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू कहना है कि माशाल्लाह स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो मतलब अच्छा लगता है पढ़ने का। अभी भी कुछ कुछ बच्चे हैं जो नजर नहीं आ रहे, तो उनका अफसोस भी है, लेकिन जो बच्चे हैं थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के अभी भी कोई सवाल हो, जो 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। बोथ, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी बोथ, ठीक है स्नेहा बेटा, इट कैन बी बोथ। अच्छा अच्छा अब हम बात करते हैं रिसोर्सेस की। हाउ, मेरा बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर पे लेआउट जो बनेगा वो इंटेंजिबल होगा मेरा बेटा, और अगर मैं बात कर रहा हूं लेट सपोज कपड़े की अगर मैं बात करूं, तो कपड़े में जो बेसिकली आपने लड़कों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो सूट बनाया होगा, तो सूट बनाने से पहले आपको एक लेआउट बना के दे दिया जाता है, वो हाफ स्टिच कपड़ा होता है, जो लड़कों को कहा जाता है कि भाई जरा ये चेक कर लो, आपने कहीं तोंद वोंद तो नहीं बढ़ा ली इतने टाइम में, जो पहले आप आ रहे सलमान खान बन के, क्या अब वो वही है सलमान खान, उसकी तोंद तो नहीं निकल आई। तो आप इस तरह से क्यों करते हो ताकि आपको आगे जो एक्सपेक्टेशन है वो खराब ना हो। तो इट कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यू पीपल आर टेकिंग डेमो फ्रॉम योर टीचर, एंड आप उस डेमो में इवेल्युएट करते हो कि क्या मुझे इस टीचर से पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली द डेमो इज कॉल्ड अ लेआउट, द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द लेक्चर इज अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट और नॉट, इफ यस गो अहेड, इफ नॉट किक हिम आउट। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो, जो आप लेना चाह रहे हो। फरीद मेरे भाई, आपकी आज पहली क्लास है तो वेलकम, और आज हम चैप्टर कर रहे हैं 9। ठीक है, 4 चैप्टर मैंने करा दिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आप यूट्यूब पे वो लेक्चर्स देख लें। इफ इन केस अगर वहां पर आपको कोई सवाल आता हो तो काइंडली नोट डाउन करें, और जिस तरह से बच्चे पूछते हैं आप भी इस तरह से पूछ लें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास अगर मेरा है तो आप ले लें, नहीं है तो ले लें, वरना है तो उस पर पूछ लिया करें। तो मैं अपनी क्लास को अब आगे बढ़ा रहा। अब अगर आप नोट करें तो बेटा हमने यहाँ, अच्छा अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग एंड सप्लाई चेन। देखो बेटा, प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए, मुझे मटेरियल भी चाहिए,
अब ये मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन प्रोवाइड करेगा, कितनी अमाउंट का प्रोवाइड करेगा, वेल ऑफ होगा नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी होगी नहीं होगी, ये सारी डिस्कशन प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही, क्योंकि हो सकता है मेरी प्रोडक्ट रिकरिंग नेचर की हो, कंटिन्यूअस नेचर की हो, तो कंटिन्यूअस नेचर के लिए मुझे अपने रॉ मटेरियल को हर वक्त मंगवाना पड़ेगा, मैं स्टोर करके नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट वालों को अगर पता है कि भाई आज सैटरडे नाइट है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं फ्राइडे थर्सडे के लिए, थर्सडे को स्टॉक मंगवा कर रखूं, क्योंकि वो पेरिशेबल है। मुझे बेसिकली आज की अंडरस्टैंडिंग लेके ये देखना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, कि अगर मेरा क्लाइंटेल बढ़ भी जाता है तो मैं अपनी चीज को मेंटेन कर सकूं। ठीक है जी। अब जब रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए यहां पर एक बात लाते हैं जिसको हमने कल पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जो इंफॉर्मेशन है ना बेटा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये अंडरस्टैंड करवाती है। एक मिनट दीजिएगा बेटा, एक मिनट ना। अच्छा जी, वो असल में ऑफिस का स्विच बोर्ड है, वहाँ थोड़ी शॉर्ट सर्किट हुई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट में फ्लक्चुएशन आया, भी स्मेल भी आ रही है, तो ये डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से मुझे पॉज करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, अब हम यहाँ बात कर रहे थे, अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको क्या पता चलता है, आप लोगों को मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना भाई? हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, कि मुझे देखो, जहां पर लेबर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, मेक और बाय पूछ रहे हो, मेक और बाय का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी जो बच्चे अली भाई से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे ना अली भाई से, बेटा समझा देता हूँ, रोहान मेरे बेटे समझा देता हूँ, मुझे 2 मिनट दोगे प्लीज? अच्छा जी, आपने पहले आप ही का मसला हल कर दिया सर, ये लास्ट की 2 लाइन समझा दें 0.7 की प्लीज, भाई समझा देता हूँ मेरे बेटे। अब अगर आप नोट करें तो यहां लिखा हुआ है, दिस मे मीन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सप्लायर यूज्ड एंड आस्किंग देम टू ऑफर मोर सर्विस और बेटर प्राइस इन रिटर्न फॉर एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप। देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पांचों के पांचों पेपर कहाँ से लिए हैं? एआरटीटी से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो थाली के बैगन की तरह, कुछ पेपर यहां से, कुछ पेपर यहां से। अच्छा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बेहतरीन है, क्या बेहतरीन है? दोनों ने कहा कि भाई हम एज पर टीचर चलेंगे, हमें जो टीचर पर समझ आएगा उस टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने कहा कि भाई देखो ये यार, ये सर शाजिब का पता नहीं कैसा बंदा है, हम इससे नहीं पढ़ना चाहते, तो हम ये गुस्सा करता है, या फिर ये जवाब नहीं देता हमें, रूड हो जाता है, तो हम इससे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा भाई, नहीं पढ़े, लेकिन हम एआरडीटी में बाकी पेपर्स पढ़ेंगे। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई वो एक टीचर से कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने ये फैसला ले लिया। लेकिन वो बच्चे जो एआरडीटी में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक चीज जो देखने वाली वो ये है, वो कह रहे हैं कि देखो, अगर मैं अलग अलग जगह जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं टाइम वेस्ट कर लूं, टाइम वेस्ट का मतलब ट्रैवल टाइम, हो सकता है कि क्लासेस के टाइम क्लैश आ जाए, हो सकता है कि हर टीचर प्रायोरिटी अलग अलग सब्जेक्ट को देता है,
तो एक चीज मुझे देखनी पड़ेगी, यानी वो बच्चा ये चीज, अच्छा फिर दूसरी बात, मैं एक जगह पढ़ूंगा तो मुझे बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए हमें एक बात को देखना पड़ता है कि यार जब मैं कुछ सप्लायर से बिजनेस करूंगा तो उसकी प्रायोरिटी अलग होगी, और अगर मैं नंबर ऑफ सप्लायर्स से डील करूंगा तो उसकी प्रायोरिटी अलग होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं या एक एक्स टीचर अगर मल्टीपल प्लेसेस पे पढ़ा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होगी, और अगर एक टीचर एक ही इदारे में पढ़ा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होगा। तो ये फर्क आ जाता है जब एक सप्लायर मुझे गुड्स दे रहा है और मेरे पास एक सप्लायर है, और उस सप्लायर को पता है कि भाई ये बंदा मेरा लॉयल कस्टमर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चीजों को बेहतर अंदाज से उसे डिलीवर करूंगा। तो बेटा ये चीज थी, अब आपको वो दो लाइनें समझ आ गई जो समझनी थी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने बात करते हैं थोड़ी सी, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल कर चुके। तो देखो बेटा बात सर ये है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको हेल्प आउट करती है अपने बर्डन को कम करने में। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल यह है कि पहले आप, यार बेटा मेक और बाय कहाँ लिखा है मेरा चंदा, मैं आपको वो समझा दूँ। अब मैं एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ, मेक और बाय आप मुझे या तो एग्जैक्ट जगह बता दो ताकि मैं आपको उस जगह से समझा दूँ, या फिर आपको सिर्फ ये मतलब समझना है मेक और बाय का मतलब क्या है तो वो मैं आपको समझा दूं। तो दोनों में से जो चीज आपको समझनी है वो आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा, मैं आपको वो समझा देता हूं। प्लानिंग की फोर्थ लाइन पे, अच्छा बेटा अभी पढ़ रहा हूं। अच्छा यहाँ देखिएगा, दी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड। बेटा मैं असल में ये बात करने वाला था कि मैंने रोहान हमारा भाई है उसको जवाब देना शुरू कर दिया, सॉरी मैं उस टाइम पे आपके सवाल के जवाब नहीं दे सका। समझाता हूँ मैं आपको, जो बच्चे अली भाई से इंशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, अली भाई अभी पढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें इस चीज की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको देंगे, लेकिन मैं इसकी थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास ऑर्डर आता है 1,000 चेयर्स का, कितने का, 1,000 चेयर्स का, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है 700, यानी आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपकी पूरी फैक्ट्री में कितनी है बेटा, 700। अब ये जो बाकी के 300 हैं आपने क्या किया, मार्केट से परचेज किया और 1,000 की क्वांटिटी पूरी की और उसमें क्या कर दिया आपने, बेच दिया। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल और जो मेरे ख्याल से ज्यादा रिलेटेबल होगी, आपने कभी शादियों में वो तंदूर की रोटियां वाला देखा है जो अपने साथ एक सिलेंडर लाता है और वो रोटियां बनाता है। तो देखो वो जितना सिलेंडर लाता है उसको पता है कि इतनी क्वांटिटी यानी इतनी रोटियां इसमें बन जाएंगी। एज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर पे हो सकता है कि 300 रोटियां बन जाए, एज्यूम कर रहे हैं। लेट सपोज भुक्कड़ लोग ज्यादा आ गए, भूखे नंगे आ गए ज्यादा, और उन्होंने फोड़ना जब शुरू किया, अल्लाह माफ करे, तो 300 रोटियों की लिमिट पूरी हो गई। अब फैमिली वाले बचे, क्योंकि फैमिली वाले स्टार्टिंग में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ताड़म ताड़ी में लगे होते हैं, तो एंड में भूख लगती है उनको जब सब चले जाते हैं कि भाई अब आ जाओ ठूसने पे, अब कोई नहीं देख रहा। तो उस टाइम पे उनको ख्याल आया कि भाई अब ठूसने का वक्त है, तो भाई ये लिमिट तो पूरी हो चुकी थी। अब उस तंदूर की रोटी वाले ने कहा कि भाई एक काम करो, उसके पास एक छोटू काम करता था, उस छोटू को कहा एक काम कर भाई बाहर जा और एक तंदूर की रोटी वाला खड़ा है दुकान, उससे जाके 50 तंदूर की रोटियां ले आ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब क्या किया, 50 तंदूर की रोटियां ले आया। तो उस बंदे को यह पता था कि वो कितनी क्वांटिटी बना सकता है, जिसको हम कहते हैं मेक, और टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी कितनी, 350, जिसमें से 300 उसने मेक की, 50 उसने बाय की और क्वांटिटी पूरी करके दे दी। क्या ये बात समझ आती है?
खाने पीने की एग्जाम्पल तो हमें क्यों समझ नहीं आएगा, हमें पहले समझ आएगी भाई। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस पैराग्राफ से, मेरे प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ से आपको पता है कौन सी, कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन से एरिया के बारे में बात की जाएगी। यहां से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। अब आपको यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर। देखो, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा था तो उसमें हो सकता है मोस्टली बच्चों ने समझा हो कि भाई चैप्टर नंबर 3 मैं वापस रिवाइज कराऊंगा इंशाल्लाह थर्सडे फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह, तो उसमें मैं बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि भाई किस तरह से आप चीजों को लेके चल सकते हो। एमआरपी को मैंने कल बताया था बेटा, शायद कल आवाज की वजह से मसला हो। एमआरपी का मतलब है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब भी वो स्टोर डिपार्टमेंट वाला जब भी क्वांटिटी निकालता है मटेरियल की, तो वहां पर जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे ये इंडिकेट कर देता है कि भाई अभी इतनी प्रोडक्ट कम, मटेरियल कम हो गया, आपको मंगाना पड़ेगा। और ईआरपी कहते हैं इंटायर एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसे कहते हैं ईआरपी, जिसकी बेसिस पे मुझे ये बात समझ आएगी कि कौन से एरिया में किस चीज की कमी की वजह से एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी रुक रही है। क्या ये बात समझ आती है? नो, यस 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 एग्जैक्टली। देखो बेटा, मटेरियल रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स। देखो मटेरियल, MRP 1, इट्स ऑल अबाउट मटेरियल। मटेरियल रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि ये पर्टिकुलर एरिया आपको किससे रिलेट बताएगा, मटेरियल से रिलेट। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, लेबर अवेलेबिलिटी और दूसरी प्रोडक्ट्स, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट जो इसमें शामिल होती हैं। यानी कि आप मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट बनानी है जिसमें 200 kg आपको मटेरियल चाहिए और 4 लेबर चाहिए, ठीक है। और लेट सपोज आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल पड़ा है, नहीं, अब्दुल राफे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा है भी तो लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आपकी क्वांटिटी हो गई केजी में 150 और लेबर है 2। अब आपको ये एज पर दिस पर्टिकुलर डेटा आपको मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग ये बता देगा कि भाई आज जो आपकी प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी वो एज पर दिस रेशियो के नहीं बनेंगी, एज पर दिस रेशियो के बनेंगी। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग बनती तो आप 20 यूनिट बना सकते थे, लेकिन अब आपकी ये वाली अमाउंट है तो आप हो सकता है 18 यूनिट बना सको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई नंबर्स को वो ना कर ले, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अब जो आपको एक बात समझनी है वो ये समझनी है बेटा कि यहाँ पर, अच्छा ये वाला एरिया मैं खुद मिस आउट करवा रहा हूँ, ये एरिया आप लोगों के रीड करने का है, क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग बताए जा रहे हैं जो कि आपने माशाल्लाह से चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े। लेकिन स्किप कराने का मतलब पेलना नहीं है, स्किप कराने का मतलब ये है कि हम यहाँ वो एरिया को ज्यादा टाइम देंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मेरे एक यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहूंगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं। अब मिसाल के तौर पे इस चैप्टर के अंदर बहुत सी हेडिंग्स है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सी हेडिंग है,
मैंने क्या हर हेडिंग को इक्वल प्रायोरिटी दी, इक्वल इंपॉर्टेंस दी? नहीं। वेरी गुड फैजी, बाकी सब भी जवाब दे दे प्लीज। मैंने क्या कहा? मैंने तमाम चैप्टर के हेडिंग्स में से, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स थी, मैंने हर हेडिंग को क्या इक्वल इंपॉर्टेंस दी? जवाब है नहीं। मैंने क्या किया? हर हेडिंग को उसकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से, उसकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से क्या किया? प्रायोरिटी दिया। और ये प्रायोरिटी कैसे दिया? बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे कैसे पता चला? एज पर माय पास एक्सपीरियंस, जब मैंने मैं आपकी बात ही नहीं समझा अहमद रजा, आपने जो लिंक बना के, मतलब क्या कहना चाह रहे हो मेरे बच्चे? क्रिटिकल का मतलब होता है मेरा चंदा डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल। समझ आया मेरा बच्चा? मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं और फिर से आप लोग समझिएगा। इस चैप्टर में बहुत सी हेडिंग थी, मैंने हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैंने बेसिकली क्या देखा कि यार पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जब पहले ये टॉपिक पढ़ाया था, सुनना मेरी बात, मैंने जब पहले बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत से बच्चों को मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन में मसला आया। फिर मैंने जब और पढ़ाया बच्चों को, उन्हीं बच्चों को, तो मुझे क्या समझ आया? मुझे समझ आया कि बच्चों को MRP 1, MRP 2, ERP समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा कि भाई बहुत से बच्चों को इस टॉपिक के अंदर 4 पिलर्स के बारे में समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बेसिकली क्या किया? मैंने वो कॉम्प्लेक्स एरिया को आइडेंटिफाई किया जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिर मैंने उन एरिया को आइडेंटिफाई किया जो रैंकिंग वाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आती थी। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर हेडिंग की, मेरे प्यारे बच्चों, तो इस हेडिंग से रिलेट मैंने आपको क्या कहा कि आप ये पढ़ लेना। मैंने क्या कहा बेटा? ये आप पढ़ लेना। इसका मतलब मैंने कहा कि भाई मेरे समझाने की इस पर्टिकुलर चीज में जरूरत ही नहीं है, आप इंशाल्लाह जब खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये जो इतनी बड़ी बहस मैंने की है, ये जो इतनी बड़ी बात मैंने की है, और हो सकता है कि अभी आप लिंक नहीं कर पा रहे हो कि सर ये आप बातें क्यों कर रहे हो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके चैप्टर नंबर वन में एक आखिरी पेज पे हेडिंग है जिसका नाम है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, जिसके 4 पार्ट होते हैं, कीप इनफॉर्म, मॉनिटर, और ये सारे 4 पार्ट होते हैं जिसमें हाई इंटरेस्ट हाई पावर, हाई इंटरेस्ट लो पावर, लो पावर लो इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर वन में मेरे बच्चों। तो आपने वहां पर जो पावर इंटरेस्ट पढ़ा था वही पावर इंटरेस्ट यहां भी हो रहा है। तो मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं, ऑल दो मैं एक चैप्टर बहुत पहले चले गया, मैं लिंक आपको ये करवाना चाह रहा हूं। मेरे पास बाज बच्चों का सवाल आया था कि सर हमें पावर इंटरेस्ट समझ नहीं आता, क्योंकि पावर इंटरेस्ट हम जब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट सोचते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने कभी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते देखा ही नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम पावर इंटरेस्ट को कौन सी एग्जाम्पल में समझाएं। तो उस वक्त मैं बच्चों को क्लास की एग्जाम्पल देता हूं,
तो बच्चों का सवाल आता है, बच्चों का फीडबैक आता है कि सर आपने क्लास की एग्जाम्पल तो दे दी, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल जब आप देते हो तो समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा जो चीज आपने प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखी ना, उस पे एग्जाम्पल फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर उसको समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, मैंने आपको मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग समझाने के लिए, सॉरी मेक और बाय को समझाने के लिए रोटी की एग्जाम्पल दी, हालांकि पढ़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहे हैं, लेकिन भाई वो रोटी वाला भी तो रोटियां मैन्युफैक्चर ही कर रहा है ना, प्रोडक्ट ही कर प्रोड्यूस ही कर रहा है। तो एग्जाम्पल से हो सकता है कि आपको, तो मैंने आपको यहां पर ये जो चीज बताई वो यही समझाने के लिए बताई कि बेटा आप एग्जाम्पल ओरिएंटेड हेडिंग्स को मत समझा करो, आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हेडिंग समझा करो। अगर कॉन्सेप्ट में ये है कि आप पहले इंपॉर्टेंस देख के काम करते हो, आज के दिन में आपने सोचा तो बहुत कुछ करने का होगा, लेकिन क्या हर काम को आपने सेम प्रायोरिटी दी? तो हो सकता है आपका जवाब है नहीं। तो यही बात है कि पावर इंटरेस्ट आपको ये समझाता है किस तरीके से आपने काम को परस्यू करना है। तो मैं थोड़ा सा बैक चले गया क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस पर्टिकुलर एरिया मस्ट रिकॉल, तो आई होप आपने माइंड नोट किया। तो बेटा ये वाली चीज को आप पढ़ लीजिएगा। अब जो सबसे खतरनाक बात मैं यहां करने जा रहा हूं, मैं जिसको स्किप कर रहा हूं उसे स्किप करने के बाद मतलब ये अब आपकी जिम्मेदारी। अब मैं जो इस पर्टिकुलर एरिया का खतरनाक एरिया पढ़ रहा हूं वो ये है बेटा, जो के डेडली कॉम्बिनेशन है, जो जो के हो सकता है यहां पर बहुत से, यहां पर हमारी एक वो स्टूडेंट है, उसका मैं नाम भूल गया, मार्च बैच की है, बहरहाल नाम याद आएगा तो मैं रिकॉल करूंगा। उस बच्ची ने मुझसे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस एरिया में, वो आप नहीं है बेटा, वो आप नहीं है, सॉरी के साथ। तो जिसने पूछा उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो जो याद आ जाएगा तो फिर बता देंगे। तो नहीं बेटा ये सारे नाम नहीं थे, हाँ ये नाम था बेटा मयूर। तो नाम लेने का जिक्र इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये अभी रिसेंट क्लास में मैंने उसे समझाया था, तो मैं चाह रहा था कि वो अगर इस क्लास में होती तो वो उसे फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा था तो उसको भी, उसके भी एम्बिग्यूटी को दूर कर देता। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। ये क्रिटिकल पार्ट क्यों है, तो इसे जरा समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेरे बच्चों आप ने जब पीआरसी का बैच स्टार्ट किया था और आपने अपने स्टडी का एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, क्या वो स्ट्रक्चर आज भी उसी तरीके से है? अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलिएगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ, ठीक है मैं समझ गया कि वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 ने आपको क्या समझाया है? चैप्टर नंबर 3 ने आपको दो बातें समझाई, वक्त के साथ साथ जज्बात भी खत्म। बेटा आई कैप वाला डंडा करेगा ना, जज्बात ऐसे आएंगे ना फिर रुकेंगे नहीं बेटा। तो आप आई कैप के डंडे का वेट करने से पहले अपने जज्बात ले आए तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वरना बेटा कुछ और ना हो जाए। ठीक है मेरा बच्चा, जोक्स अपार्ट, अब बात सारी यह है कि चैप्टर नंबर 3 ने आपको क्या सिखाया कि बेटा आप पहले जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल,
फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है आप फंक्शनल पे जाते हो, पहले सिंपल स्ट्रक्चर पे काम करते हो, फिर फंक्शनल पे जाते हो, फिर डिवीजन पे जाते हो, फिर मैट्रिक्स पे जाते हो, काम की नौइयत को देखते हो, ठीक है ना बेटा। लेकिन जब बात आती है ना प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को देख के आपका माइंडसेट अलग होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ARTT। अब ARTT इंस्टीट्यूट कहता है कि यार मैंने ना एक ब्रांच खोलनी है मिडल ईस्ट में। अच्छा भाई माशाल्लाह, मिडल ईस्ट पे चले गए हम। अब मिडल ईस्ट में जो हमारी थिंकिंग होगी, जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, क्या वो कोर्सेज, क्या वो मार्केटिंग प्लान, क्या वो स्ट्रक्चर, क्या वो सारी चीजें वही डिट्टो कॉपी पेस्ट होंगी जो हम यहाँ कराची के अंदर कर रहे हैं? नहीं। एक समझदार बच्चा यहाँ कह सकते हैं कि सर बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा वहां पर कौन सी क्वालिफिकेशन ज्यादा वर्थित है, ज्यादा लोग उस पर एडमिशन लेते हैं, कंपटीशन जिसमें कम है क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कम है, जैसे CPA, जिस जैसे के CPA। अब CPA कैसा ऐसी क्वालिफिकेशन है जो दुबई में बहुत ज्यादा माशाल्लाह इन हो चुकी है। तो हम ARTT इंस्टीट्यूट ने सोचा कि भाई अब हम क्या करेंगे, मिडल ईस्ट को टारगेट करेंगे और हम CPA वहां पढ़ाएंगे। तो अब आप CPA जब पढ़ाओगे तो आपके लिए प्रोडक्ट अलग, प्रोडक्ट में आने वाले लोगों की मेंटालिटी अलग, जेंडर अलग, सॉरी जेंडर अलग होने के साथ साथ एज डिफरेंस, उनका एक्सपीरियंस, उनका वे ऑफ टीचिंग, एवरीथिंग, एवरी चार्टर्ड पब्लिक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CPA स्टैंड फॉर नो, यू डू नॉट नीड टू लर्न अरेबिक टू टीच, यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो बात समझाना ये चाह रहा था कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, जब आप किसी और जगह पे जाते हो तो चीजें चेंज होती हैं। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दी यहां पर, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए पॉज करता हूँ और मैं आपके सामने एक एक करके ये पर्टिकुलर चीज पढ़ता हूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा देखें इसे। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है बेटा कि जब आपका बिजनेस ग्लोबल है, ग्लोबल यूनिट ऑर्गेनाइज बाय दी कंपनी बाय इट्स प्रोडक्ट लाइन, अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में जो काम कर रहे हो वो ग्लोबली है, ग्लोबली का मतलब ये नहीं इंटरनेशनल नहीं होता, ग्लोबल का मतलब, ग्लोबल का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट के जीरो से एंड तक तमाम चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यूनिलिवर है, यूनिलेवर डिटर्जेंट भी बनाता है, सोप भी बनाता है, शैम्पूज भी बनाता है, खाने पीने की चीजें, सारी चीजें बनाता है। यानी मैं कहूंगा कि यूनिलेवर एक ग्लोबल कंपनी है जो हर एरिया में अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। तो अब देखने का, जैसे गुल अहमद है, गुल अहमद ने फैब्रिक में सिर्फ काम किया तो सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहा, औरतों के कपड़े नहीं बेच रहा, वो शलवार कमीज भी बेच रहा है, वो बेडशीट भी दे रहा है, वो एप्रन्स भी बेच रहा है, वो टॉवल भी बेच रहा है, वो सारी चीजें बेच, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई हम स्कूल भी पढ़ाते हैं, हम इंटरमीडिएट भी कराते हैं, हम BCom भी कराते हैं, हम MA भी कराते हैं, हम एजुकेशन इंडस्ट्री के हर वो चीज कराते हैं जो कि एक एजुकेशन में होती है, तो हम क्या कहलाएंगे, ग्लोबल। अब आप सबका माइंड यहां ये कहेगा कि मेरे बच्चों के हर प्रोडक्ट, ओ लेवल अलग प्रोडक्ट है, मैट्रिक अलग प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट अलग प्रोडक्ट है, ए लेवल अलग प्रोडक्ट है, तो इस इतनी सारी प्रोडक्ट जब अंडर वन अम्ब्रेला होंगी, अंडर वन रूफ होंगी, तो उसको संभालने के लिए किस तरह के लोग चाहिए होंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ ज्यादा फिजिबल होगा? तो आप कहेंगे डिविजनलाइज स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेहतर होगा।
जब आप डिवीजन की बात करते हैं तो फंक्शनल ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर लेता है, डिवीजन की बात करते हैं तो फंक्शनल खुद ब खुद आ जाता है। बात सब अच्छा। अब यहां पर एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ सकता है कि क्या सर एंटरप्रेन्योर एक बंदा यानी सोल प्रोप्राइटर डिविजनलाइज्ड बिजनेस कर सकता है? हाँ। क्या पार्टनर डिविजनलाइज्ड बिजनेस कर सकते हैं? हाँ। क्या एक कंपनी डिविजनलाइज्ड बिजनेस कर सकती है? हाँ। लेकिन हमने किसी सोल ट्रेडर को इतनी लार्ज क्वांटिटी पे बिजनेस करते नहीं देखा, तो इसलिए हम क्या करें कहेंगे कि कर तो सकता है लेकिन करते हुए देखा नहीं है। तो जब करते हुए देखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता। बात समझ आ रही? सेकंड पिलर जिसमें आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब बात सारी ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट इतनी सारी है कि आप स्कूल भी टारगेट कर रहे हो, कॉलेज भी टारगेट कर रहे हो, एकेडमिक्स भी टारगेट कर रहे हो, आपने हर, अब देखो स्कूल को टारगेट करने के लिए कौन कौन से एज के लोग चाहिए होंगे, आपको छोटे बच्चे भी चाहिए, आपको टीनेज भी चाहिए, आपको यंग भी चाहिए, हर किसी को अट्रैक्ट करने का अलग तरीका, हर किसी को प्रोडक्ट बेचने का अलग तरीका। अब इतने तरीके, इतनी सारी चीजें जब आपके पास आ जाएंगी तो यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, अब आपको एक और स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा जिसका नाम है मैट्रिक्स। कैसे? मैं अब एक मार्केटिंग की टीम बना रहा हूं जिसमें एक बंदा ओ लेवल ए लेवल की मार्केट का एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट की मार्केट का एक्सपर्ट, ए लेवल की मार्केट का एक्सपर्ट, सीए की मार्केट का एक्सपर्ट, सीपीए की मार्केट का एक्सपर्ट, सीएसएस की मार्केट का एक्सपर्ट, इतने सारे इंडिविजुअल जो सेम स्किल के हैं, स्किल मार्केटिंग ही है लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ हैं। मैंने जब इन सब को एक साथ गैदर किया, इनको बनाया मैंने टीम। अब इस टीम के अंदर एक होगा हेड, एक होगा हेड और एक होगा उस प्रोजेक्ट का हेड। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर, सुनना मेरे बच्चों, मैंने यहां पर 10 लोगों की टीम बनाई। मिसाल के तौर पे ये एक भाई है जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के चीते हैं, एक हेड है जो कहलाएगा एचओडी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, और एक कहलाएगा ओ लेवल्स ए लेवल्स में काम करने वाले लोगों का हेड, जिसको क्या कहेंगे, टीम लीडर। तो ये जो टीम है ना, ये जो 10 लोगों की टीम है, ये इसे भी रिपोर्ट करेगी और इसे भी रिपोर्ट करेगी। तो हम जब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं डबल चेन ऑफ कमांड। तो डबल चेन ऑफ कमांड इसको बोलते हैं। फिर आते हैं थर्ड, ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज डिवीजन। अच्छा मैं आपको बोलूं, ये जो बात मैंने ऊपर अभी इतनी डिटेल में मत्थे मारे हैं ना, वो यही यहाँ पर डिस्कस किया। और इसी तरीके से यहाँ बेटा 12 बज गए तो आप चले जाओ चंदा, और अगर आपको कहीं नहीं जाना और आप 5 मिनट दे सकते तो दे दो मेरे बच्चे, ठीक है। फोर्थ पिलर में आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर फंक्शनल, देखो ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे ना, मैंने जितनी एग्जाम्पल अभी दी हैं, अगर आप इसे ये पढ़ोगे तो इंशाल्लाह सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये फिफ्थ पिलर गलती से दे दिया था आईकैप ने, मतलब ये मिस प्रिंट हो गया जिसकी वजह से मसला हो गया। अब बाकी का जो भी एरिया है मैं आपसे ये बात समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि देखिए बाकी का जितना एरिया है, मेरी वॉइस कट रही है। अच्छा भाई पारे गए, वेरी वर्ड, वेरी गुड वर्ड, रिडंडेंट, वेरी गुड वर्ड यार, एक्सलेंट। अब मेरे बच्चों ये जितनी भी बातें आपके सामने हैं वो आपने सुकून से बैठ के रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद इसमें
अब आपके पास इस टॉपिक में कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सारी बातें आसान है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर फिर भी आज की क्लास में हमारे 5 टॉपिक कवर हो गए, देखो अगर कोई बच्चे ने, देखो यार मतलब मैं बहुत ज्यादा रिवाइज कराने के उसमें हूँ, फिजिकल भी इंशाल्लाह रिवीजन होगा, कोशिश होगी कि जितनी दफा कोर्स रिवाइज हो सके आपको चीजें याद करवा दूँ, रिवाइज करवा करवा के, ताकि चीजें अच्छे तरीके से आपको याद हो। बेटा आज हमारे 5 टॉपिक कवर हुए, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक, और ये आज हुआ चैप्टर नंबर 9। 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 चैप्टर में से आपके जितने भी सवाल हैं वो प्लीज मुझसे पूछ लें, ताकि भाई कोई भी बच्चा, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, 39 47 थे, कुछ कुछ जाते रहे, अब वो किसकी किस वजह से जाते रहे वो अल्लाह जानता है, हो सकता है इंटरनेट इंटरनेट का मसला हो। तो भाई आप तमाम बच्चे अपने जितने सवाल हो सके पूछें, और अपने मसलों को हल करें। मतलब मैं इससे ज्यादा फ्राइडे को इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक रिवाइज होगा, और मेरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि एक नया अंदाज के साथ मैं रिवाइज कराऊंगा इंशाल्लाह। बेटा अब आपने ये कंटिन्यू खुद करना है, आपने सारी चीजें अब खुद से रीड आउट करनी है। इस क्लास में जो जून बैच के बच्चे बैठे हैं उनको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया तो सर वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका टॉपिक वहाँ पर एक अलग अंदाज में फिर भी चलता रहेगा बेटा, वो इंशाल्लाह जब आएगा तब आएगा, कोशिश है कि हर दफ़ा कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। तो जो फास्ट ट्रैक के बच्चे हैं उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और बेटा मॉडल पे, अच्छा जो बच्चे मुझसे काफ़ी दफ़ा, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे सर मॉडल पेपर मॉडल पेपर, बेटा वंस वंस हम ये सारे टॉपिक रिवाइज कर लें, मैं इंशाल्लाह खुद मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? और ना आपको सॉल्व कराऊंगा मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मॉडल पेपर इस अंदाज में सॉल्व कराऊं, ताकि आप एग्जामिनर की साइकी को अंडरस्टैंड कर सको कि अगर वो फला वर्ड को चेंज कर देगा तो आपका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहां तक कल हमारा, अच्छा जो बच्चे जून बैच के यहाँ मौजूद हैं वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर भी चीजें देखी जाएंगी। तो मैं इजाजत चाहूंगा बेटा, ऑनलाइन भी होगा फिजिकल भी होगा, ऑनलाइन भी होगा फिजिकल भी होगा। जी बेटा, बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।